चलो जी, अभी बारी है आप सभी को दिखाने की इंडिया का सबसे बड़ा बॉक्सर। मुझे तो यार इस गैंग में बड़ा इंटरेस्ट है। ये जो चारी छोटी सी गैंग है ना, इसको इनको यहाँ पे बंद करके रख दिया है। क्या साइज होगा भैया इसका? 28 इंच प्लस, तो मतलब डॉबरमैन। हाँ, एक डॉबरमैन। शू यहाँ पीछे हो जाओ। नो नो। Yo, what's up everybody? क्या हाल चाल? आज का जो व्लॉग है बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, बिकॉज मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ बहुत स्पेशल ब्रीड बॉक्सर। तो बॉक्सर मैंने पहले भी एक बार हमारे अंकल पाजी के साथ, जो अम्बाला से, उनके साथ व्लॉग बनाया था, तो आज दूसरी बार मैं उनके पास व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। इस बार उनके पास बहुत अमेजिंग डॉग्स आ चुके हैं। तो व्लॉग शुरू करने से पहले गाइज, मुझे ऐसी चीज लगती है कि लाइफ में हमारा इंश्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए मैं आप सभी के लिए एक बहुत अमेजिंग सी चीज लेकर आया हूँ। तो अभी अंदर चलता हूँ और आपको सीसे इंट्रोड्यूस करवा। तो गाइज, हमारी लाइफ में जैसे भी आपको पता है, इंश्योरेंस की जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वैसे जो है बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस की तरफ से जो है बजाज अलियांस पेट डॉग इंश्योरेंस लेकर आया गया है। इसका जो प्रीमियम है 315 रुपए से जो शुरू होता है एक्सक्लूडिंग GST, और ये जो है हॉस्पिटलाइजेशन एंड सर्जरी जो है इसके अंदर कवर करता है। तो गाइस जल्दी से जो है मैं आपको जो है इसके बेनिफिट्स बताता हूँ। क्या नंबर वन इज सर्जरी एक्सपेंसेस कवर एंड हॉस्पिटलाइजेशन कवर। अगर बाय चांस आपका डॉग जो है बीमार हो जाता है, या फिर उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर उसको हॉस्पिटल में जो है उसको एडमिट करना पड़ता है, तो जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे के सारे इंश्योरेंस के अंदर कवर होंगे। नंबर टू इज मोर्टेलिटी बेनिफिट कवर। अगर दुर्भाग्यपूर्ण आपके डॉग की डेथ हो जाती है, तो वो भी चीज़ भी इसके अंदर जो है वो कवर करता है। थर्ड वन इज टर्मिनल डिसीज कवर। अगर बाय चांस आपके डॉग को कोई ऐसी बीमारी डायग्नोज होती है जिसके अंदर वो लास्ट स्टेज पर, या फिर जिसका इलाज नहीं है, उसके अंदर भी आपको जो है 30,000 तक जो है लमसम पे किया जाता है। नंबर फोर्थ इज लॉन्ग टर्म केयर कवर। अगर बाय चांस आपके डॉग को कोई ऐसी बीमारी डायग्नोज होती है जिसका इलाज बहुत लंबे समय तक चलेगा, वो चीज भी जो है 25,000 तक जो है इसके अंडर जो है कवर की जाती है। एंड नंबर फिफ्थ इज OPD कवर। OPD के अंदर जितनी भी लगने वाली लागत जो है इलाज के टाइम की जाती है वेटरनरी डॉक्टर द्वारा उसके क्लिनिक में, वो सभी चीजें भी जो है इसके अंदर कवर की जाएंगी। एंड सिक्स वन इज थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवर। अगर बाय चांस आपका डॉग किसी दूसरे इंसान को काट लेता है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके अंदर भी जो है 5 से लेकर 10 लाख तक का जो है इसके अंदर बीमा दिया जाता है। नंबर सेवन, अगर आपका डॉग जो है खो जाता है, भटक जाता है, या फिर चोरी हो जाता है, तो वो चीज भी जो है इसके अंदर कवर की जाएगी। तो गाइज, जैसे हमारे लिए इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मेरे को लगता है हमारे पेट के लिए भी अब इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सो मेरे को तो बहुत अच्छी चीज़ लगी, बहुत अच्छी चीज़ मार्केट में आई है। सो मेक श्योर टू चेक दिस आउट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में मैं उसको पिन कर दूंगा। एक बार जरूर चेक करना कि क्या क्या प्रीमियम है और क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट्स है। सभी चीज़ें डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हो, चलिए मैं निकलता हूँ अगली लोकेशन के लिए और तेरा करवा दे इंश्योरेंस बेटा। A few moments later. कैसे हो अंकल भैया? Welcome, welcome, welcome भाई। आज ना स्पेशली मैंने भैया से बोला कि देखो, पिछली बार तो वैसे तो बॉक्सर का काम कई सालों, कितने साल हो गए ऑलमोस्ट बॉक्सर रखते हुए? स्पेशली बॉक्सर फर्स्ट लीटर ब्रीड किया था 2001 में, पर प्रॉपर बॉक्सर करते तकरीबन 9 साल हो गए। अच्छा, मेरे से कोई पूछे ना मेरी उम्र, जब लोग पूछते हैं ना, और जब मैं अपने से बड़े लोगों से मिलता हूँ, तो मेरे को बड़ी शर्म आ जाती है, बहुत छोटा हूँ मैं। तो क्योंकि 2001 में जब उन्होंने पहला बॉक्सर ब्रीड किया था, पता नहीं मैं कहाँ था। चलो जी, आज स्पेशली बॉक्सर से अलग होकर कुछ ऐसी ब्रीड्स हम स्टार्टिंग में आपको दिखाएंगे जो कि बहुत लवेबल ब्रीड्स है, बहुत लोग उनको प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन कौन सी ब्रीड है वहाँ पर, थोड़ा कैमरा घुमाए हमारे कैमरा वाले भाई। नया कुछ है मॉल्टीज। हाँ जी, टॉय पूडल। कितने टोटल, मतलब ये तीन डिफरेंट ब्रीड है? तीन डिफरेंट? हाँ, नहीं, चार डिफरेंट ब्रीड है। हाँ, टॉय ब्रीड तीन हुई और ये चौथा, एक चौथा बॉक्सर हो गया। चलो जी, एक एक करके अभी हम उठाते हैं इनको। भैया प्लीज इनसे इंट्रोड्यूस करो। इससे पहले तो इसको चलाओ, जो भौंक रहा है इसको उठाओ सबसे पहले। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये है बॉक्सर का पपी। कितने टाइम का भैया ये? 47 डेज का। 47 डेज। हेलो, बड़ा शरारती है भाई ये। बॉ 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 लगाई हुई है इसमें। हेलो, और कौन से डॉग का बच्चा है भैया, कुछ बता सकते हो? और कौन सा कलर है इसका? ये फॉन कलर है विद प्रॉपर मार्किंग के साथ। फादर इसका मेसी है। मेसी और वो बिगेस्ट डॉग ऑफ इंडिया। बिगेस्ट डॉग ऑफ इंडिया बॉक्सर नया है, लगता है चैलेंज के साथ है कि इंडिया में उसके साइज का उतना बड़ा बॉक्सर नहीं है किसी के पास। सही है। चलो गाइस, आगे अभी वीडियो में आपको वो भी हम दिखाएंगे। इसके बाद हम उठाते हैं नेक्स्ट, ये है चीकू, ये टॉय पूडल। ये टॉय पूडल है। अरे इधर, अभी टॉय पूडल मैंने कुछ ही वीडियो में भी दिखाया था। ये कितनी एज है भैया इसकी? ये 6 मंथ्स की है। 6 मंथ्स? अच्छा, फीमेल है ये? हाँ, होम ब्रीडिंग पपी है ये। वाह, अपने घर का इस...
क्या बात है। और इसके पेरेंट्स कहाँ, इंडियन है या BII है, कैसे? इसके पेरेंट्स BII है। अच्छा, मतलब पर पेडिग्री सारी इंपोर्ट पेडिग्री है, इंडियन? फादर इंपोर्टेड का सन है, मदर जो है वो ब्रेड इन इंडिया। वाह, हेलो, कितना प्यारा है। इसके बाद वो देखो, उसको देखो, श्नाइजर को देखो, ओए, और इसको देखो, वो देखो माल्टेज निकल के भाग गया, वो भाग गया, एली, वो भाग गया, भाग गया। ये रैबिट रैबिट लग रहा है, देखना 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 इधर, अबे अबे अबे, ये देखना रैबिट की तरह भाग गया ये, बिल्कुल। कितनी एज है इसकी? ये 2 मंथ। तभी तो रैबिट लग रहा है बिल्कुल। ये है माल्टेज, माल्टेज, हां। सो गाइस, ये है ब्रीडिंग पपी है, ये भी, ये इसका ब्रदर है, अरे वाह भाई, बड़ा प्यारा है यार ये तो। हेलो, ओके, तो इसके बाद रह गया सिर्फ अपना श्नाउजर, राइट? श्नाउजर उठाना पाजी एक बार, निकालना। मिली, ये भी माल्टीज है, राइट? ये माल्टीज बड़ा मेल है ये मेरा। अच्छा, बड़ा मेल है, चले जाओ। ओह, तो ये है श्नाउजर, ये भी पहले मैंने दिखाया है, 7 मंथ्स की। अच्छा, ये 7 मंथ्स की है? हाँ। वाह यार, बड़ी छोटी है। वाओ, सो ये गाइस सभी के सभी जो है टॉय ब्रीड आती है। तो टॉय ब्रीड, वैसे भैया आपको अभी टॉय ब्रीड कितना टाइम हो गया रखते हुए? टॉय ब्रीड कुछ ही टाइम हुआ, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, तकरीबन 3-4 साल से टॉय ब्रीड भी ऐड किया। इससे पहले 2003 में पग रखा था, पग ब्रीड भी किया, शो किया, टॉप विनिंग फीमेल था इंडिया का मेरे पास। वाओ, क्या बात, मैट्रिस फिट लिटिल हार्ट, क्या बात। फिर उसके बाद कभी रॉटवाइलर, कभी मैस्टिफ, मतलब। बट मोस्टली आपको सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा लगता है, बिग साइज ब्रीड और स्मॉल साइज? एक को चूज करना, आपने एक नाम लेना अपनी तरफ से। ये तो बहुत क्वेश्चन है क्योंकि देखो गाइस, हर चीज का एक अपना अलग मजा, टॉय ब्रीड का एक अपना मेरे को अलग मजा आता है, बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार, घर में रखी जा सकती है, घर के अंदर बेड्स के ऊपर अगर ये खेलना चाहे घर के बच्चों की तरह। देखिए, बड़े डॉग्स को भी रखा जा सकता है, बट बड़े डॉग्स के लिए इतनी स्पेस, एटलीस्ट एक गार्डन चाहिए, 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 है ना, कि जहाँ पे उनको डेली रनिंग, डेली घूमना फिरना घुमाना, हाँ, और उनके साथ प्ले टाइम हो सके, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, अभी बारी है आप सभी को दिखाने की इंडिया का सबसे बड़ा बॉक्सर। देखना कैसे रहे उसमें, ये एक ही बारी में सबको सबको खा जाएगा ये उसके साथ। वो देखो गाइस, इसका नाम है मैसी, मैसी डॉबरमैन, डॉबरमैन केन कोर्सो, डॉबरमैन केन कोर्सो, इन सब की हाइट को मैच करता है। बाकी उनका भी दूसरे डॉग्स की तरह ही वेरी करता है। काटने वाले डॉग ये भी हो सकते हैं, देखो ये छोटे वाले भी काट सकते हैं अगर आप इनको ढंग से ना रखो। तो ये देख रहे, बिल्कुल हॉर्स कैसा लग रहा है यार, अरे वाह। एंड इस काम, सबसे बड़ी बात है वो काम है। अरे अरे, उसको भैया के पास से टॉय चाहिए, तो देखना। अरे उसको डर लग रहा है कि नहीं पकड़ेगा भाई, कशिश नहीं पकड़ेगा। यार वाह, बहुत इजीली हम जो है इनके साइज को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये कितना बड़ा और ये कितना छोटा है। ये नॉर्मल साइज का बॉक्सर है और वो इंडिया का सबसे बड़ा बॉक्सर है। लो जी, ये देखो, तो भैया ने दो बड़े अमेजिंग से बॉक्सर्स। बॉक्सर ना बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव ब्रीड है गाइस, मतलब आपका एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए बॉक्सर जैसे ब्रीड को रखने के लिए। वो देखो, वो देखो, ओ ओ, डर मत डर मत डर मत डर मत। तो भैया अभी तक ऑलमोस्ट अपने कितने डॉग्स जो हैं बॉक्सर चैंपियन बन चुके हैं? देखिए, मेरी ब्रीडिंग के तकरीबन 9 डॉग्स चैंपियन बन चुके हैं। वाओ, और इंडिया के बहुत बड़े बड़े कैनल्स के अंदर मेरा ब्रीडिंग का डॉग गया। बेंगलोर के अंदर है, हमारे इंडिया का टॉप 1 कैनल है अगरनी कैनल, वहां पर मेरे ब्रीडिंग का डॉग है। वाओ, कैनल में ये मेरा हाथ चाट के भाग रहे हैं। ये फादर एंड सन है। अच्छा, कौन फादर है इनमें से? ये फादर, ये ब्लैक वाला। अच्छा, ये फादर है,
ले, ये ले। और ये इसका बेटा है, ये बहुत शरारती भालू है, और जो अभी कालू भालू और जो पोरस है वो भी इन्हीं का, इसी का बेटा है। अच्छा, अरे वाह वाह यार, इसकी कितनी एज है कालू की? ये 3 इयर्स का है, 11 मंथ्स का। वाह यार, बहुत सही। मुझे तो यार इस गैंग में बड़ा इंटरेस्ट है। ये जो चारी छोटी सी गैंग है ना, इसको इनको यहाँ पे बंद करके रख दिया है। तो ये है हेलो, इतना काम है, ये लगा भाई मुझे। अच्छा, इधर आप पास लेकर आओ, ये फ्यूचर कंपटीशन के लिए रेडी है, नेक्स्ट ईयर के लिए। यार कितना ज्यादा ऑडी, प्याला बच्चा ऑडी, आप खुद भी स्टैक कर सकते हो, इतना बढ़िया प्रोफाइल स्ट्रक्चर है। ले ऑडी, ऑडी देख रहे हो? वाओ, आ ऑडी ऑडी, हा हा हा, खुश हो गए, खुश हो गए। वाओ गाइस, एक चीज ना, मतलब मैंने भी फैमिली में, मैंने पहले भी कई बार ब्लॉग्स में बताया कि मेरी फैमिली में भी बॉक्सर्स रहे हैं, तो जो हमने बॉक्सर पाले हैं और उन बॉक्सर जो नॉर्मल क्वालिटी बॉक्सर्स होते हैं, इनमें भी बहुत फर्क मैंने देखा है। बिकॉज एक बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है ना वो, और जो पेडिग्री आप डॉग के अंदर होती है, वो बहुत मैटर करती है अग्रेसिवनेस के अंदर। और उसकी मतलब अगर एक अच्छी जगह से डॉग लिया जाए, देखिए आप जब आप डॉग लेते हैं, आप हम जो ब्रीडर हैं, हम ब्रीड करते हैं, ब्रीड के साथ साथ हमें टेम्परामेंट भी ब्रीड करना पड़ता है। हम अपनी लाइंस में कभी भी बैड टेम्परामेंट का डॉग ऐड नहीं करते, कि हमें भी प्रॉब्लम। अब आप आए हो, नए हो, आपके साथ बिल्कुल फ्रेंडली है, पर आप हम नहीं होंगे तो ये अननोन किसी पर्सन को एंटर नहीं करने देंगे, आप प्रॉपर गार्ड करेंगे, ये तो है। पर जब हमारे साथ है तो कोई टेम्परामेंट का इशू नहीं, इन्हें पता है हमारे फ्रेंड्स हैं। हां, ये देखना कितने प्यार से। तो अगर टेम्परामेंट बुरा होगा तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। मेरे से पहली बार मिला, ये कितना फ्रेंडली हो गया। तो अभी आप मुझे बताते कि घर पे बहुत छोटे पपीज भी हुए हैं। 3 वीक्स के पपीज हैं, मैं वो भी दिखाता हूं। चलो जी, अभी हम आपको 3 वीक्स के पपीज दिखाते हैं, और साथ साथ भैया के पास एक अफ्रीकन ग्रे पैरेट भी है, जो लास्ट वीडियो देखी थी भैया की, अगर किसी ने तो वो पहचान जाएंगे उसे, तो उससे मिलवाता हूँ, फिर करते हैं इस ब्लॉग का एंड। तो बात तो इसे थोड़े से बड़े पपीज दिखाने की, बट यहाँ पर भैया ने हमें दिखाया है सिर्फ 1। ये व्हाइट है, प्योर व्हाइट बॉक्सर। वाओ वाओ वाओ, क्या बात है। सो गाइस, अगर आपको इन बच्चों से रिलेटेड या भी आगे जो भी हमने ब्रीड दिखाई है कोई भी क्वेरी है, तो भैया प्लीज एक बार अपना नंबर बता भी दीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अंकुर शर्मा, न्यू वे बॉक्सर्स के नाम से मेरा चैनल रजिस्टर्ड है KCI के अंदर। नंबर, मोबाइल नंबर मेरा 7015244011। सो मेक श्योर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक इंस्टाग्राम के इनके दे दूंगा, सो आप जरूर चेक करना। और बहुत ज्यादा प्यारे बच्चे, थोड़े से बड़े वाले भी दिखाओ भैया। सो अभी बात हुई थी जैसे एक वीक है, कितने वीक के हैं? ये 3 हफ्ते के। ये 3 हफ्ते के पप्पीज, इनकी आईज खुल चुकी है, कलर हमारे पास सब रहते हैं, फॉन भी, ब्रिंडल भी, व्हाइट, डार्क, ब्लैक। ये देखना, ये दोनों ब्रिंडल है ना? ये ब्रिंडल है। वाओ, ओए कितने प्यारे हैं यार, कितने ज्यादा प्यारे हैं। ओए 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 ओए, वाह भैया। अच्छा भैया, एक आपका अफ्रीकन ग्रे पैरेट है वो भी दिखाओ। हाँ, ना, और भैया का जो अफ्रीकन ग्रे पैरेट है वो है 18 साल का। मेरे पास अभी 18 महीने की, और भैया के पास 18 साल का है, तो अभी देखते हैं, उससे मिलते हैं और फिर करते हैं ब्लॉग का एंड। सो ये देखो गाइस, ये इसका नाम क्या है? मिठू बुलाते हैं। मिठू, अच्छा, हेलो, बोलता है गाना गाते हैं या गेट खड़कते हैं तो ये पहले बोलेगा हाँ जी भैया कौन ऐ कात क्यों रहा है मेरे को, मेरे पास भी अफ्रीकन ग्रे पैरेट है, तो ज्यादा मत बन, ठीक है? ये इसको स्क्रैच कराना नहीं पसंद क्या? बहुत पसंद है। ये सारे पैरेट को यही पसंद है क्या? इसकी आईज बहुत अलग है, मतलब मेरे वाली की जो आईज है वो व्हाइटिश में, इसकी येलो है। हेलो बोला ये सबको। हेलो बीबी, हेलो। थ्रेटनिंग लग रहा है इसको। हाँ, शू कर रहा है, शू पीछे हो जाओ, शू नहीं करना, लाओ दो, शू शू कर रहा है वो, जल्दी दो यार, ये बोलता भी होगा है ना, अच्छा खासा। वाह यार, दो जल्दी, दो जल्दी, मुझे जल्दी। I just can't wait कि रूबी और अच्छे से बोलने लग जाए, मैं उसको और अच्छे अच्छे वर्ड सिखाऊं, उसको मैं इंट्रो सिखाऊं अपने घर की व्लॉग्स की। वाह, ओ देखो देखो किस जगह कर रहा है। वाह, थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत बढ़िया, आप आते रहा करो लगा, एंड आई होप सो दोबारा से जल्दी हमारा चक्कर लगे। सो मेक श्योर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना है, लाइक करना है, दोस्तों को मतलब सबको दिखानी है, बिकॉज जो भी डॉग एनिमल लवर है सब तक इस वीडियो को पहचाना है। एंड विद दैट करते हैं मैं आज का ब्लॉग का एंड, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय बाय, करते यार, चला गया वो।